सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मदेव देखो, आप त्याग और तप की वजह से किसी के कर्म का फल जो भी मांगे वो आप देते हैं। आज आपके ब्रह्म अस्त्र का देखो दुरुपयोग किया है अश्वत्थामा ने, इसलिए हे ब्रह्मदेव सोच समझकर आशीर्वाद दिया करो महाराज, सोच समझकर। आप ध्यान रखना, आशीर्वाद तो स्वयं प्रकट होता है पर फिर भी आदमी को सोच के आशीर्वाद देना। हिंसक आदमी को आशीर्वाद देते समय महात्मा संत भगवान को चाहिए कि उसे अहिंसा बनने का आशीर्वाद प्रदान करें, यही आशीर्वाद सत्य माना जाता है। जो आदमी हिंसक है उसे आप कह दें कि शक्तिमान भव, तो समझ लो गया उरण काम से। जो हिंसक है उसे आशीर्वाद तो देना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रणाम किया है, और प्रणाम करने का आशीर्वाद विफल नहीं होता, वो मिलेगा उसे। हम चाहे न चाहे देना तो भी आशीर्वाद अपने आप ऑटोमेटिक जाता है, पर यही जावे अह अहिंसावादी भव, शांत भव, धर्मात्मा भव। ऐसा आशीर्वाद दे दो जो उसका कल्याण भी करे और समाज को दुखी ना पहुंचाए, उससे क्लेश ना पहुंचाए उससे। इसलिए आशीर्वाद भी सोच समझ कर, पर ब्रह्मा जी कभी नहीं सोचते समझते, इसीलिए ब्रह्मा जी की बहुत ज्यादा पूजा नहीं होती है संसार में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ज्यादा आशीर्वाद राक्षसों को दिया है। सब पुराणों में लिखा है ऐसा, पूरी कथा भागवत आप सुनेंगे और अभी बाकी चार दिन, तो आप देखिए भगवान कृष्ण भी नहीं मार पाएंगे ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हुए। अरे भगवान नहीं मार पा रहा है, फिर बाद में पता चला क्यों नहीं मार पाए, तो कब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया इनको विष्णु के हाथों से न मरने का। इसीलिए जितने भी दैत्य हैं वो सभी ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ब्रह्मा मतलब कोई कम बुद्धि वाले देवता हैं ऐसा मेरा पर्याय नहीं है। ब्रह्मा को तो स्पेशल पांच मुंह दिख रहे हैं, तो बुद्धि तो उनको ज्यादा ही होंगी, जितने मुंह होते हैं उतनी बुद्धियां होती हैं। पर ब्रह्मा जी का जो स्वभाव है वो दयालु सरल स्वभाव है, इसीलिए वो किसी को भी निराश नहीं करते, इसीलिए उनके यहां दुष्ट लोगों की लाइन ज्यादा लगी हुई है। भगवान विष्णु के यहां ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु क्या करते हैं, पहले परखते हैं, छानते हैं, फिर भगवानों से आशीष देते हैं, अनुकूल आशीर्वाद, अनुकूल। और ये यही धर्म है, यही धर्म है। आपके छोटे बच्चे को बहुत जोर से अस्थमा ने घेर रखा है और आप प्यार में आके बच्चे की जिद में आके आइसक्रीम खिला रहे हैं, तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है बच्चे का। और बच्चे के रोने को, बच्चे की तड़प को, आइसक्रीम की तृष्णा को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो बच्चे का आपसे ज्यादा हमदर्द कोई नहीं है, पर देखने में गलत लग रहा है। ये कैसा बाप है, बच्चा रो रहा है आइसक्रीम मांग रहा है, ये पत्थर दिल हो गया, आइसक्रीम नहीं दे सकता 20 रुपए की। लोग बोलेंगे, पर आइसक्रीम खाने के बाद जो हॉस्पिटलाइज होगा उसका क्या करना। इसीलिए समझ के सोच के ही प्यार करें भक्तों से। अस्थमा की बीमारी, आइसक्रीम नो, वो नहीं लेना, ठंडा नहीं लेना है। शरीर ऐसा थूप के सूज के ऐसा हो गया है, ऐसा मुंह, ऐसी गर्दन, ऐसे ऐसे हाथ हो गए हैं, कम से कम 15 लोगों को मांस चढ़ जाए, ऐसी ऐसी बांह रहती किसी किसी की, निकाल निकाल के सब पतलों पे लगा दो, तंदुरुस्त कर दो, इतने मोटे मोटे हाथ पैर है लोगों के और जान बिल्कुल नहीं है, मरे मराए बिल्कुल। अब प्यार में उनको सेवा कर दो। इसलिए ध्यान कर लो, ये सूजन शरीर में आती है, मांसपेशियां सूज जाती हैं, इसका मतलब होता है आपको मांस का वासा, चर्बी का थायराइड हो गया है, इसीलिए आप में खून नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, खाली ये बढ़ता रहेगा, गंदा होता रहेगा महाराज। इसीलिए परहेज करो, यहां पर भी पथ्य प्यार सब देख करके आशीर्वाद देवे महाराज। दूध नहीं लूंगी, खीर नहीं लूंगी, रबड़ी नहीं लूंगी, रसमलाई नहीं लूंगी, गुलाब जामुन नहीं लूंगी, रसगुल्ले नहीं लूंगी या लूंगा,
ससुराल में गए, सासू मां प्यार जता रही है जमाई राजा पर, रसमलाई परोस दी, फिर रबड़ी परोस दी, फिर खीर परोस दी, हाँ ले लो ना, कब कब आओगे, खा लो, मेरे हाथ का है, मैं बुढ़िया कब मर जाऊंगी, कहां मौका मिलेगा, खा लो खा लो, अपने मौके के चक्कर में थायराइड बढ़ा रही जमाई का, छोरी विधवा हो जाएगी ये नहीं डर, खाली अपना फायदा सोच रही है, प्यार सोच रही है, न न न न न न सासू मां कितना भी प्यार लड़ा है पर बीमारी में जो चीजों का पथ्य है परहेज है उनको प्यार में भी ग्रहण मत कीजिए महाराज, क्यों, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए। भाई साहब, हो सकता है खाते समय आपको तम्बाकू गुटखा अच्छा लगता हो, हो सकता है आपको मदरा अच्छी लगती हो पीने के समय, आपको कुछ सुरूर गुरूर देती होगी, मुझे नहीं पता, आपको उससे कुछ आनंद प्राप्त होता होगा, पर बुराई हमेशा बुराई रहती है, वो कितना भी सुख देवे पर वो अच्छाई कभी बन सकती नहीं है।